बांग्लादेश में बिगड़े हालात, उपद्रवियों ने मचाया कोहराम, किया 500 कैदियों को आजाद, होटल में 8 को आग के हवाले किया। बांग्लादेश में मचे हुए कोहराम में अब उपद्रवी अल्पसंख्यक हिंदुओं, शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग के समर्थकों और उनके प्रतिष्ठानों को अपना निशाना बना रहे हैं। जैसोर जिले में एक होटल में आग लगा दी गई है, जिसमें 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। जिस होटल में आगजनी हुई वह आवामी लीग के नेता शाहीन चकलादार का है। आपको बता दें, चकलादार जैसोर जिले के आवामी महासचिव हैं। प्रधानमंत्री के देश छोड़ने पर भी नहीं वापस आई शांति। अब शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और देश भी छोड़ दिया है, लेकिन इसके बाद भी बांग्लादेश में हिंसा रुक नहीं रही है। अब उपद्रवी अल्पसंख्यक हिंदुओं, शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग के समर्थकों और उनके प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। सोमवार को जैसोर में एक होटल में उपद्रवियों ने आग लगा दी, जिसमें 8 लोगों की जलकर मौत हो गई है और 84 लोग घायल हो गए हैं। 500 कैदी हुए आज़ाद। आपको बता दें कि बांग्लादेश के शेरपुर जिला जेल में उपद्रवियों ने धावा बोल दिया है और करीब 500 कैदियों को जेल से भगाने में मदद की है। सोमवार को कर्फ्यू के बीच लाठी डंडों और हथियारों से लैस स्थानीय भीड़ ने जुलूस निकाला। इस दौरान भीड़ ने शहर के दमदमा कालीगंज इलाके में स्थित डिस्ट्रिक्ट जेल पर हमला बोल दिया। उपद्रवियों ने इस दौरान जेल के गेट को तोड़ दिया और आग लगा दी। क्रिकेटर के घर को बनाया निशाना। आपको बता दें कि उपद्रवियों ने आवामी लीग के सांसद काजी नबील के आवास पर भी तोड़फोड़ की है और आग लगा दी है। पूर्व कप्तान मशरफे मुर्तजा के घर को भी उपद्रवियों ने आग की लपटों में झोंक दिया है। बता दें कि मुर्तजा आवामी लीग के नेता हैं और उन्होंने जनवरी में हुए आम चुनावों में शेख हसीना की पार्टी से चुनाव लड़ा था और संसद सदस्य भी बने थे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।